हेलो फ्रेंड्स, शिक्षक साइंस एंड आर्ट चैनल और आपका स्वागत है। और इस चैनल में मैं सिखाता हूँ साइंस एक्सपेरिमेंट, साइंस ट्रिक्स, आर्ट्स और मैजिक। तो पिछले वीडियो में मैंने स्वीपर रोबोट आपको सिखाया था, तो इस बार मैं आपको फ्लोर क्लीनर रोबोट सिखाने वाला हूँ। और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ। तो उसके लिए अपने को चाहिए एक 9 होल बैटरी, 9 होल उसका कनेक्टर, यह है 12 शाफ्ट मोटर, डीसी मोटर, यह है एक स्ट्रिप इलेक्ट्रिक जो रहती है केसिंग पट्टी, उसकी स्ट्रिप है। उसके बाद ये मैंने उसको जोड़ने के लिए, मोटर को जोड़ने के लिए पहिए बनाया है। ऐसे इस तरह से आप गोल ढक्कन के भी बना सकते हैं। और ये चाहिए अपने को एक डबल साइड टेप, और ये है एक स्पंज या फोम शीट। तो सबसे पहले क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसको पहले या आप इसको कनेक्टर लगा दीजिए, और इसके बाद ये मोटर जब शुरू करेंगे आप इसको, तो ये ऐसी 12 शाफ्ट मोटर होने के कारण दोनों तरफ से इसके शाफ्ट घूमते हैं इस तरह से। तो अपने को ये इस तरह से घूमना चाहिए, ऐसा ये ऐसा रखूँगी, इस पर करोगे तो ये इधर से घूमेगी। तो अपने को ये साइड से चाहिए। और ये सभी अपने को ये केसिंग पट्टी मैंने काट लिया, इसको 6 सेंटीमीटर यहाँ से करना है, और यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर उसको बेंड करना है इस तरह से। और मैं ये सभी इस पे ऐसे डबल साइड टेप चिपका दिया है मैंने, तो इसके ऊपर मैं इसको ऐसे चिपका देने वाला हूँ। और इसके बाद ये 9 होल बैटरी जो है ये भी इसके सामने थोड़ा सा रख के यहाँ पे चिपका दूँगा इस तरह से। और जैसे इसको आप लगाएंगे तो ये इस तरह से शुरू हो जाएगा। और इसके बाद ये जो आपको शाफ्ट दिख रहा है इस तरह से ये घूमेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा पहले बाजू कर देता हूँ, और ये जो मैंने पहिए बनाए थे इसके, तो इसको इस तरह से लगाऊँगा ये दोनों को। और ये इसके सामने मैंने यहाँ पे ये स्पंज लिया था, उसके सामने मैंने इसको डबल साइड टेप लगा दिया, जिसको इसके ऊपर ऐसे चिपका दिया। और देखेंगे अब इसको ये फ्लोर क्लीनिंग करता है कि नहीं, साफ़ सफाई करता है कि नहीं, ये देखते हैं। तो ये ऐसा इस तरह से अपने बना लिया है। तो अब ये मैं चालू करता हूँ और देखते हैं नीचे रख के ये साफ़ सफाई अपना करता है कि नहीं। तो बहुत ही ज़ोरदार ढंग से उसकी साफ़ सफाई शुरू है, फ्लोर क्लीनिंग कर रहा है, सब पोछ दे रहा है इस तरह से। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इसी तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें और नया कुछ सीखते रहें। बाय।